नमस्कार, सीटेट के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो आपका आज का प्रश्न है वो गणित शिक्षण से संबंधित है। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी गणित के अंकों में 5 की वृद्धि कर दी जाए, अगर सभी के अंकों में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे उसने कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। इससे अमित सहमत नहीं हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं सहमत हूँ। तो अनीशा ने 5 के स्थान पे n संख्याएं ली और इसे सिद्ध किया। तो अनीशा ने क्या उपयोग किया? आकलन, असेसमेंट, आगमनिक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, निगमनिक तर्क, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग या सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का। तो जो प्रश्न है आप समझिएगा कि अनीशा ने क्या कहा उससे कि अगर गणित के अंक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, सबके जो जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबके औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो उसने क्या दिया, एक एग्जांपल दिया कि वो एक मैथ की अगर नंबर में 5 जोड़ेगी तो उसके सभी नंबर में क्या होगा, औसत जो होगा उसमें भी 5 आपका बढ़ जाएगा। उसके आगे उसने कहा कि ये सभी के लिए सही होगा। इसके आगे उसने क्या कहा, जब अमित नहीं माना तो उसने 5 के स्थान पे n रखा। n मतलब क्या, कोई आपका नंबर हो सकता है 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10। तो वो n उसने जो रखा उससे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, अर्थात पहले उसने एग्जांपल दिया और बाद में आपका जो जनरेट हुआ वो फॉर्मूला जनरेट हुआ। अगर पहले आपका एग्जांपल और बाद में सिद्धांत आए तो इस प्रकार का जो आपका तर्क होता है उसको कहते हैं आगमन तर्क। तो जो इसका आंसर है वो है आगमन तर्क। और इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं।